अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहादुल में आप सभी का खैर मकदम है। अल्लाह का कलाम सच्चा, अल्लाह के रसूल की ज़बानी सच्ची। हम अक्सर इस तरह की बातें तो करते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में कौन इन तमाम बातों पर भरोसा करता है। हालात मुसलमानों पर दुनिया भर में किस तरह रोनमा हो रहे हैं सब जानते हैं। जिस मुसलमान को खाना खाने से लेकर बैतुल खिला और शादी ब्याह से लेकर मौत मिट्टी तक का तरीका सिखाया गया हो, पर अफसोस सद अफसोस के हमें जो भी बताया गया उसी के बरखिलाफ अपने कामों को अंजाम देने में जरा बराबर भी डर खौफ महसूस नहीं करते। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की शान, ना तो पूरी दुनिया नेक और फरमा बरदार बन जाए तो फर्क पड़ता है, और ना ही पूरी दुनिया ना फरमान बनने से फर्क पड़ता है। मुसलमानों को लेकर तरह तरह के नैरेटिव चलाए जाते रहे और बदनाम भी किया जा रहा है। आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुसलमानों में दीनी बेजारी देखी जा रही है। अब तो मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि कुछ लोग काफिरों के डर खौफ से मुर्तद बनते जा रहे हैं। एक्स मुस्लिम नाम से कई तहरीकें चल रही हैं, ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला मज़हब इस्लाम है। और अगर अल्लाह और उसके रसूल का जो नहीं है वो मुसलमान ना भी रहे तो अच्छा है। आज भी कई वाक़े हमारे सामने मौजूद हैं जो लोग कुरान को बदलने चले थे, कुछ लोगों ने तो कुरान की आयतों पर एतराज़ किया था, आज उनकी कैफियत क्या है? गंदगी खाने और मूत पीने की नौबत इनकी आई है। सबसे बेहतरीन मिसाल के तौर पर इस दौर का मरदूद वसीम रिजवी को ही ले लो, जो बाद में त्यागी बन गया। देख सकते हैं इबरत सबक और अल्लाह की कुदरत को महसूस करने के लिए यह जमीन और आसमान ही काफी है, और इबरत लेना चाहे तो अपने अतराफ में ही नजर दौड़ाए। आज ही क्या कुछ नहीं देख सकते, लेकिन हमारी आंखें उन तमाम कुदरती मौजूदों को देखने से इसलिए कासिर है क्योंकि हमारी आंखों से शर्म हया निकल चुकी है। दुनिया की मोहब्बत रच बस चुकी है, हलाल हराम से कोई हमें वास्ता नहीं है। हमने दीन इस्लाम को अपने मनमानी मिजाज के हिसाब से मोड़ना शुरू किया और मोड़ भी दिया। खैर, आज बात करते हैं कर्नाटक की ही हुमनाबाद की, और एक अजीब वाकया हुमनाबाद में पेश आया। कब्रिस्तान में जब गौरखान कब्र खोद रहा था तो अचानक खुशबू पूरे कब्रिस्तान में महकने लगी। अतराब के लोग भी ताज्जुब होकर इसे महसूस करने लगे। जब और खोदा गया तो सफेद कफन नजर आया। कफन का कपड़ा हाथ की बुनाई का था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 200 से 500 साल पुराना हो सकता है। किस अल्लाह के वली की शहीद का यह कफन हो सकता है, इसका अंदाजा अभी लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लिहाजा यह खबर पूरे शहर में जेर मौजू देखी जा रही है। अब कोई बताए तो सही कि किस मजहब में इन तमाम बातों का जिक्र मिलता है। महज दीन इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र आपको मिलेगा। कफन कबर शहदा सालेहीन का जिक्र जब आता है तो कबर का जिक्र भी आता है, और नेक लोगों की कबर कैसे होती है और कबर क्या कहती है इसका तस्करा भी बारहा कुरान हदीस से साबित भी होता आया है। कबर आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल। इसके बरक साइंस का कहना है कि मौत के कुछ ही घंटों बाद मुर्दा सड़गल जाता है। मौत के बाद किसी तरह की जिंदगी नहीं है। कुछ मजाहिब में पुनर्जन्म या कुत्ता बिल्ली वगैरह बनकर दुनिया में आने की बातें कही जाती है, लेकिन अब तक कोई दलील नहीं पाई जाती। लेकिन इस्लाम ने उन तमाम बातों को बताया। जलजले कब आते हैं, कयामत की निशानियां क्या है, अल्लाह ने नबियों को क्यों भेजा, और आखिरत क्या है, और इन तमाम बातों की दलीलें आज भी देखी जा रही है, और यही सच्चाई की दलीलें। हुमनाबाद का वाकिया यकीनन इबरतनाक तो है ही, लेकिन क्या आज के दौर के मुसलमान पर इसका कुछ असर हो भी सकता है? जैसा कुरान कहता है कि शहीद जिंदा हुआ करते हैं और इन्हें मुर्दा ना कहो, शहीदों के कफन को मिट्टी भी छू नहीं सकती। लिहाजा कई मरतबा इस तरह की निशानियां जाहिर होती रहती है, लेकिन जिस कौम को शहीदों के यौम पैदाइश पर डीजे की जरूरत पड़ती है उन्हें आखिर इस्लाम की रूहानियत का क्या एहसास हो सकता है? ना सिर्फ टीपू शहीद की यौम पैदाइश बल्कि ईद मिलाद और मुहर्रम में भी हमने देखा कि आज के कुछ मुस्लिम नौजवानों की सांसें और हाथ पांव तब ही हरकत में आते हैं जब डीजे बजाया जाए। अब तो छोटे बच्चे भी डीजे पर जिस्म को टेढ़ा मेढ़ा कर नाचते रहते हैं। अब बताओ तो सही कि अल्लाह के वली कैसे बन सकते हैं? और कुछ लोगों ने तो बुजुर्गों के आस्थानों का क्या हाल बना रखा है ये भी महसूस कर सकते हैं। कुछ कहते हैं तो फिर मसल की बातों को सामने लाकर दुश्मनी पर उतर आते हैं, जबकि इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल पैरा होने के लिए बार बार कुछ निशानियां जाहिर होती रहती हैं, लेकिन हमने तो
दीन को ही धंधा बना दिया है, लिहाजा इस मैयत को दूसरी तरफ दफन किया गया ताकि यहां भी गलत रस्म रिवाज शुरू ना किए जाए। खुद तो कुछ अमल करने से दूर तो रहते ही हैं, लेकिन जो बुजुर्ग अपनी जिंदगियां कुर्बान इस दीन के खातिर किए हैं उन्हें तक हम बख्शते नहीं हैं। लिहाजा इस तरह सैकड़ों साल पुरानी मैयत जिसका कफन खुशबू से महकता और हाथ से बुना हुआ कपड़ा पहली मर्तबा देखने का इजहार यहाँ के गांव वालों ने किया है। आज सवाल आखिर में वही कि क्या जिंदा मौजूदात को देखकर कुछ अपनी जिंदगियों में तब्दील लाने की कोशिश आज का मुसलमान करेगा? इसका जवाब शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया परस्ती, ऐश परस्ती और मादा परस्ती के असगर ने उम्मत के बड़े तबके को निगल लिया है। गुनाहों को भी अब गुनाह नहीं समझा जा रहा। इतना जरूर है कि दीन इस्लाम का बोलबाला तो जरूर होगा, लेकिन हम जो अपने आप को जन्नत के ठेकेदार समझकर बैठे हैं शायद दीन के असल काम करने वालों के लिए रुकावट बनते जा रहे हैं। हालात तो यकीनन कयामत की तरफ बढ़ रहे हैं। दीन में दिगर मजाहिब को छोड़कर दाखिल होने की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है, और जो पैदाइशी मुसलमान है महज एक भीड़ है, और भीड़ कभी इनकलाबात रोनुमा नहीं किया करती। और जो लोग अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं उन्हें अल्लाह सैकड़ों साल बाद भी इस तरह कब्रों में जिंदा रखता है, लेकिन जो इबरत हासिल करना चाहता है उसके लिए तो छोटी सी वारदात भी जिंदगी को तब्दील कर देती है, और ना करना चाहे तो उसे पूरा कुरान भी पढ़कर सुना हो कुछ फायदा हासिल नहीं होता, ये भी उतना ही सच है। वो कपड़ा तो हम तो पहली बार देख रहे हैं, कपड़ा कैसा है जो हाथ से बुने से होते मोटा पहले जमाने का, उस तरीके से जो है ना देखने में हमको जो है ना नजर आ गया। ताजी मैयत कफन के साथ, उसमें कफन भी मैली नहीं हो गई, वैसी मैयत मिल गई दूसरे तरफ में शिफ्ट करो, दूसरे तरफ और शिफ्ट करके उसको मैयत जैसा करना है वैसा मैयत दफना दिए। ये सारे निशाने अल्लाह ताला ने जो नेक बंदे हैं उन नेक बंदों को इस तरीके से अल्लाह ताला उसका निज़ाम ये दिए हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बंदों को ये नेकियों के वजह से इस तरीके से अल्लाह ताला खबर में रहे तो भी उनको जिंदा रखे जैसा रखा है। तो इसी तरीके से हर मुसलमान भाइयों से हमारी गुजारिश है कि हर मुसलमान भाई नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अल्लाह ताला दे दे, और सब भी तो नेक रास्ते पर चलने की एक ख्याल रखने के चलन दे। इस बंदे की अदा क्या पसंद है अभी जो है उसको, उस बंदे की जो है मैयत का कफनी उफनी सब जैसे कि वैसी रही है, हम थोड़ा खोते ही हमारे लोग अंदर से खुशबू आने लगी, अबीर की खुशबू आ गई, इतर की खुशबू आ गई, बाद में निकाल देखे तो कफनी पूरी वैसी है सफ़ेद, कोई कफनी मैली तक नहीं हुई। इस तरीके से हमारी गुजारिश है हर मुसलमान भाइयों को कि अल्लाह ताला ने इस बंदे को जो अदा रखा है जो जिंदा रखा है, इसी तरीके से हम सब भाई लोग जो है गुनाह से डर के गुनाहों को बचते हुए हम हमारे शरीयत के मुताबिक इबादत करते हुए रहना, ये हमारी गुजारिश है। कई साल मतलब 100-200 साल पुराने जो है ना मैयत निकलने की वजह से जो है ना बोले तो फिर आ गए हम यहाँ, आग को ठहरने कम से कम हम एक 10 फीट दूर ठहरने की वजह से एक ऐसा खुशबू महक रहे कि एक ताज़ी कुछ अगर हम एक इतर फेंके हैं वैसे जो है ना खुशबू इतनी बेहतरीन खुशबू के महक रही है, और उसके अंदर अबीर ताज़ी एकदम, अब जैसा कि हम छिनकते हैं उस तरीके से, और जो है ना कफन एक ऐसा है वो कपड़ा तो हम तो पहली बार देख रहे हैं, कपड़ा कैसा है जो हाथ से बुने से होते मोटा पहले ज़माने का, उस तरीके से जो है ना देखने में हमको जो है ना नज़र आ गया। अब अहम खबरों पर एक नज़र। आज बेलगाम पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लाखों का माल जब्त किया गया। इत्तला के मुताबिक गणेशपुर से दो चोर जिनका नाम प्रकाश पाटिल और महेश कालिंग कोप को हिरासत में लिया गया, तकरीबन 22 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए चोरी किया और गोवा कैसिनो में जुआ और अय्याशियों में उड़ाते रहे। पिछले कई महीनों से बेलगाम और अतराब में घर फोड़ी की वारदातें पेश आ रही है और उसमें इजाफा भी हो चुका है, जिसे लेकर बेलगाम पुलिस भी काफी परेशान थी। लिहाजा आज दोनों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी बेलगाम पुलिस को हासिल हुई है। बेलगाम शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा तो हासिल हुआ है, लेकिन शहर के मरकजी इलाकों में अभी भी बुनियादी सहूलतों से आवाम महरूम नजर आती है। पिछले कई महीनों से ड्रेनेज का पानी खड़बजार में सड़क पर बहता हुआ देखा जा रहा है, कई मरतबा शिकायत करने पर भी अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, और बार बार इस तरह का नजारा देखा जाता है, ऐसा यहां के ताजिरों ने बताया। सीबीटी के नजदीक ही इस तरह ड्रेनेज का पानी दुकानों के सामने जमा होने पर ग्राहकों पर भी इसका असर देखा जा रहा है, लिहाजा जल्द मरम्मत कर इस परेशानी से निजात दिलाई जाए, ऐसी मांग कारपोरेशन को यहाँ के आवाम ने की है।
आज आजाद नगर जमजम हॉल में सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट और बेलगाम ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की जानिब से ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। वाजा रहे कि कुछ मुस्लिम इलाकों में नशे की बढ़ती लत को लेकर माशरा बेहद परेशान है। तीन नुकात पर आज यहां चर्चा की गई। नशे को लेकर इस्लामी नुक्ते नजर क्या है, मेडिकल पस मंजर में नशे के बारे में क्या कहा जाता है और कानून में इसे लेकर क्या सजा मुकर्रर की गई, कानून क्या कहता है। लिहाजा प्रोग्राम जिस माशरे के लिए था उस माशरे का कसीर तादाद में ना जमना भी माशरे की बेहिसी कह सकते हैं। लिहाजा इस तरह नशे को लेकर बेदारी प्रोग्राम जरूरी है और आवाम को चाहिए कि कसीर तादाद में शिरकत फरमाए। कानूनी पस मंजर पर एडवोकेट अनवर अली नदाफ, इस्लामी नजरिया नाजिम बेलगामी ने पेश किया और मेडिकल पस मंजर मसूद ताहा ने उस पर रोशनी डालने की कोशिश की। काउंट करेंगे तो 90 बच्चे कम से कम नशे में हैं। कम से कम नशा का मतलब ये है बीड़ी सिगरेट टोबैको, ये कम से कम नशा। और इसका एक्सट्रीम लेवल ये है कुछ लोग गांजा लेते हैं, कुछ लोग चरस अफीम कोका ओपियम ओपी ऐसे बहुत से लिस्ट है। और इन सारे चीजों को इंडियन लॉस के अंदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोपैथिक सब्सटेंसेस NDDS नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोपैथिक सब्सटेंसेस। अब जिस तरह से नेक्स्ट सेशन में पॉइंट नंबर वन ये है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं उसमें ना ज्यादा गहराई में न जाते बस एक पॉइंट बता रहा हूं। प्रोग्राम के मेन मौजूद से मौजूद पे जाने से पहले मैं कुछ डेटा आपको देना चाहता हूँ कि ये हम इसको सीरियस क्यों लें, क्या वजह है मुस्लिम आश्रय इसको सीरियस क्यों लें। आप देख सकते हैं कि ड्रग की ओवरडोज से जो भी गांजा हो चरस हो जो भी है उसको लेने की ओवरडोज की वजह से हर 10 दिन में एक जुवेनाइल बच्चा जो है मर जाता है। जुवेनाइल कौन है, जुवेनाइल वो बच्चा है जो 18 साल से नीचे है। अब देख सकते हैं ये सारा जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं 2020 के 2020 के नेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। जो मैक्सिमम नंबर ड्रग्स जो लेने वाली वाली जो उम्र है वो 30 और 45 ईयर्स के बीच के तो जितने भी नौजवान हैं वो ले रहे हैं। नौजवान यानी उसमें लड़कियां भी आती उसमें लड़के भी आते उसके साथ साथ उसके बाद पहले मैं आपके सामने कुरान से उतारी उनकी आयत आपके सामने रखूंगा जो सूरह बकरा की आयत नंबर 219 है। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर यह संस्था आने हमें बनवाई से कुल भी हिमाचल सुन तभी वाजा रहे अथनी भी अकलियतों की तादाद के तौर पर देखा जाता है तकरीबन
30,000 के करीब यहाँ पर मुस्लिम वोट्स हैं। अगर मुसलमानों की बात की जाए तो इससे पहले भी शाहजहां डोंगरगांव एमएलए बन चुके, लेकिन पिछले 25 सालों से कांग्रेस के सरगर्म कारकुन और कायद के तौर पर असलम नालबंद का नाम यहाँ देखा जाता है। कोरोना के दौर में भी असलम नालबंद पेश रहे और उन्होंने खिदमात अंजाम दिया, लिहाजा हाल ही में इन्हें अंजुमन अतनी के सदर के तौर पर भी मुंतखब किया गया। चिक्कोड़ी पार्लियामेंट के असलम नालबंद अकलियती शोबे के नायब सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे। आवाम की बढ़ती मांग के मद्देनजर असलम नालबंद को क्या कांग्रेस से उम्मीदवारी हासिल हो सकती है, ऐसी चर्चा भी जोरों पर है। और आखिर में इंतकाल फुरमदान, जनाब अब्दुल खादर जंगुमिया उम्र 75 साल का आज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। जनाब अब्दुल खादर जंगुमिया पेशे से हाकिम थे और टीपू सुल्तान गली न्यू गांधीनगर में रिहाइश पजीर थे। इनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया जा रहा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।